हेलो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के इस दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था, तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, समझ ले। प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपको एग्ज़ाम में बनाने होते हैं और विद इन हाफ एन आवर आपको लगभग एग्जाम्पल खत्म करना होता है। तो किस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं वो देखते हैं। वीडियो देखते समय या उससे पहले आप ब्लॉगर से, जहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर ले, पीडीएफ अपने हाथ में रखें ताकि आपको वीडियो समझने में और एग्जाम्पल समझने में आसानी रहे। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो उस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में देखिए आप, ये जो टिकआउट करी हुई जो चीज़ें हैं ये सारी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ली है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो उसके अलावा की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कॉल सिनेरियर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, बिल्डिंग, डेटर्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आएगी। डेबिट साइड सारी एसेट होती हैं और क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटीज और रिजर्व्स होते हैं। तो इसको, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो इसको किस तरह से बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें डालना है, वही चीज़ हमें समझनी है। फॉर्मेट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स, ओके, डू नॉट कन्फ्यूज हिम। सो मैनी स्टूडेंट सेड दैट फाइनल अकाउंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम सेड दैट इट इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट। हियर यू रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटली प्रिपेयर दी एग्जाम्पल और कैलकुलेट दी एग्जाम्पल, सो यू कैन ईजीली प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, यू कैन ईजीली कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। एंड यू कैन सी हियर, दिस आर दी हाईलाइटेड थिंग्स, दिस हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड थिंग्स आर द थिंग्स ऑन विच द एडजस्टमेंट्स आर अफेक्टेड, ओके। दिज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक एक इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले चुके हैं। अब उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगी, ये आपको पता है, क्योंकि एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती हैं। तो किस तरह से वो लेंगे उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ऑलरेडी एग्जाम्पल कैलकुलेट किया हुआ है वो आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एंट्रीज हमने एकोमोडेट की हुई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला जो है क्लोजिंग स्टॉक 1,53,500, इसकी एक एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज इन इन्वेंटरी में दी है। दूसरी एंट्री करंट एसेट में आएगी, ठीक है, इन्वेंटरी में। फाइनल डिविडेंड है, तो फाइनल डिविडेंड का एक इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डाला था। दूसरा इफेक्ट जो है वो हम बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डालेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो एक एंट्री जो है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अमर्टाइजेशन में बताई थी। तो दूसरी इफेक्ट जो है इसमें से माइनस करके बैलेंस शीट में बताएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2%, वो डेटर्स में से माइनस करेंगे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में बताने वाले हैं। और एक ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एज एन एक्सपेंसेस इसको ले लिया अदर एक्सपेंसेस के अंदर। और 10,000 वेयर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। और दूसरा इफेक्ट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में, जनरल रिजर्व जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जनरल रिजर्व आपको, ये जो है 62,500 जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है 62,500, इसमें हम बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 12,500 है, ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 12,500, इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बैलेंस शीट के अंदर बताने वाले हैं। और बाकी सारी जो है इम्पैक्ट, जिसको जो हाईलाइटेड नहीं है उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो एंट्री एक ही बार बैलेंस शीट में आने वाली है। ये एसेट साइड आएगी और ये सारी एंट्री जो है वो लाइबिलिटी साइड आएगी। तो किस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द मटेरियल बाय द टीचर्स, ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रिपेयर दैट फॉर्मेट वेल एंड देन आफ्टर कैलकुलेट दिस एग्जाम्पल। यू मस्ट बी रिमेंबर द फॉर्मेट, ओके, ऑफ द बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम बैलेंस शीट
कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए आपके सामने मेरे पास ऑलरेडी एग्जांपल कैलकुलेट किया हुआ है। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। ओके, इस तरह से हेडिंग आएगा। कंपनी का नाम ऊपर लिख सकते हैं आप, पूजन लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज एंड रुपीज। नाउ ये जो नोट नंबर है, यहाँ पर जो हम नोट अलग से बनाते हैं उसका नंबर मेंशन करें, नॉट नेसेसरी कितनी नोट बनानी है, एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर अधिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है तो अलग नोट बनाएंगे, नहीं तो यहाँ इनर कॉलम में ही हम इसको बता देंगे तो नोट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड रहता है कि एग्जांपल में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कितनी सारी दी गई है, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो नोट बना दीजिए, नहीं तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, यू नो दैट। ये इसको अच्छी तरह से आप समझिए, देखो ये जो है सबसे लाइव ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मेन हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसका सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, देन आफ्टर नॉन करंट लाइबिलिटी, देन आफ्टर करंट लाइबिलिटी। दीज आर द थ्री मेन हेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड एसेट साइड यू कैन सी हियर नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। सो दीज आर द फाइव आइटम्स विच इज नॉर्मली टू बी आस्क्ड। नॉर्मली जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसमें यही पाँच चीज़ें या यही पाँच हेडिंग आपको याद रखनी है। लाइबिलिटी साइड तीन हेडिंग, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, और एसेट साइड नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अब शेयर होल्डर्स फंड में दो हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में नॉर्मली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही आता है, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें आती है। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होती है इसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। ओके, तो बैलेंस शीट में जो जो इफेक्ट जो जो एंट्रीज दी गई है उसको उठा के यहाँ पे रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्रीज यहाँ नहीं आएगी, जो ऑलरेडी हम टेकआउट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बाइफरकेशन करना हमें आना चाहिए। अगर ये बाइफरकेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आसानी से एग्जाम्पल को हम टैगल कर सकते हैं। तो यहाँ फिक्स एसेट, तो एसेट में लॉन्ग टर्म जो एसेट होती है, फिक्स एसेट जो होती है उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दो पार्ट करते हैं, ठीक है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, तो ए और बी फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, और फिक्स एसेट में दो पार्ट टेंजिबल और इनटेंजिबल रहता है। और फिर करंट एसेट उसमें इन्वेंटरी, ट्रेड पे, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश और इक्विवेलेंट एंड अदर करंट एसेट। तो इस तरह से हम हेडिंग्स बनाते हैं। अदर करंट एसेट को आप ये जैसे ए हैं, बी हैं, सी हैं, इसको डी दे सकते हैं। आप अच्छी तरह से प्रिंट नहीं हुआ है तो ए बी सी और डी ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ये आपके हेडिंग्स हो गए यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ए बी सी डी अच्छी तरह से दिखाने में बोला। करंट एसेट में ये सारी चीज़ आएगी। अब किस तरह से एंट्रीज हम यहाँ पे डालते हैं वो देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी है, एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल को पास में रखेंगे और वन बाय वन एंट्रीज हम करेंगे। तो देखिए लाइबिलिटी साइड सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 11,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल था, वो हमने यहाँ पे बताया। ओके, ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ नहीं बताते हैं। अगर नोट बनाते हैं तो नोट के अंदर ऑथोराइज कैपिटल बता देते हैं, बट टोटल में ऑथोराइज कैपिटल कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका शेयर कैपिटल आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, 11,50,000 टोटल पेड अप। और डेबिट साइड आपको कॉल्स इन एरियस दिया है, वो माइनस करेंगे और 11,32,000 नेट पेड अप कैपिटल आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 62,500 हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ठीक है। और उसमें 10,000 जो हमने इंफॉर्मेशन नंबर फाइव में जो बोला था 10,000, वो ट्रांसफर किया है यहाँ पे। एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डाल चुके हैं, दूसरी एंट्री यहाँ पे आ गई यहाँ पे, तो 72,500। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कौन सा है, तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट बैलेंस जो कैलकुलेट किया था ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वो अमाउंट यहाँ पे आई है 1,05,200। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली एंट्री कहाँ से आई है। ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था यहाँ पे, और इसका ये फाइनल आंसर आया था, देखिए 1,05,200, ठीक है। यही एंट्री, यही अमाउंट जो है 5,00,000
2500, यही एंट्री हमने यहाँ पर बताई थी। देखिए ये जो है ये यहाँ पे आगे देखो 105,200। ओके देन आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वैसे तो एसेट है लेकिन फिक्टिटियस एसेट को रिजर्व में से माइनस करते हैं, तो 12,500 डेबिट बैलेंस था, उसमें से 1250 हमने राइट ऑफ किया था 10%, बाकी का अमाउंट जो है वो बाहर आ गया। और ये डेबिट बैलेंस होने के कारण इसको माइनस करते हैं, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस करने के लिए इसको ब्रैकेट में बताया हुआ, ये अमाउंट जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें 6% डिबेंचर थे और 16,500 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था। यू नो दैट, ये चीज़ भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करी है। एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होगी, 16,500 ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में हम बता चुके हैं और वही एंट्री यहाँ पे ये है, ऐड कर दी, लाइबिलिटी है इसलिए। उसके बाद क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड दिए हुए हैं 130,000। उसके बाद बिल्स पेबल 96,000 आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड पेबल्स हो गए। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये दोनों एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक इफेक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ले लिया है। ये जो है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से आया है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो एडजस्टमेंट है उसकी क्या इम्पैक्ट है उसको याद रखे, अच्छी तरह से यहाँ पे डालना है, तो ही टोटल इक्वल आएगा। और ये एक साइड का काम पूरा हो गया, टोटल यहाँ पे हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट फिक्स एसेट, उसमें टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स, बिल्डिंग, ये सारी एंट्रीज आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी थी, वही एंट्री हमने यहाँ पे डाली है। फिक्स एसेट में टेंजिबल के बाद दूसरा इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में गुडविल आ गया, गुडविल भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसका टोटल ऑफ फिक्स एसेट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1,55,000 एज गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस। करंट एसेट में इन्वेंटरी, ये जो आपका फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऑलरेडी दे चुके हैं चेंज इन इन्वेंटरी में, दूसरी यहाँ पे आ गई। ट्रेड रिसीवेबल, उसमें डेटर्स, डेटर्स की टोटल अमाउंट, उसमें से जो BDR बैड डेट रिजर्व बोला था वो माइनस किया, एक इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है वो भी आप देख ले, उसके अंदर ये माइनस करके आउटर साइड आएगा। देन आफ्टर कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक आउटर साइड, दोनों एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में से सीधे। और फिर अदर करंट एसेट, इंटरेस्ट ऑन 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका हिडन एडजस्टमेंट था, तो एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में बताई है, दूसरी एंट्री यहाँ पे बताई, तो ये भी आपका एंट्री हो गया और ये टोटल हो गया 22,60,050 एंड हियर आल्सो 22,60,050। बोथ द साइड टोटल्स आर इक्वल, योर फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट इज कंप्लीट हियर, योर बैलेंस शीट इज लुकिंग लाइक दिस। ओके यू कैन सी, ओके दिस इज योर बैलेंस शीट, ये देख लीजिए आप, पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपके सामने तैयार होके रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसंट्रेशन रखना है, कोई एंट्री रह न जाए ये ध्यान रखना है, तो बहुत ही आसानी से आप फाइनल अकाउंट का एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो इनर कॉलम में हमने जितनी एंट्रीज बताई हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी एंट्रीज का आप अगर आप अलग नोट बनाना चाहो तो नोट भी बना सकते हैं, और यहाँ पे नोट नंबर डाल के भी इसको बाहर ला सकते हैं। अब कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, हाउ टू मैनेज इट। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, और भी इस तरह की वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के जो नए नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आपको उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, तो ही हमें पता चलेगा कि अगर इस तरह के और वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन देर इज़ नो एनी मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस वीडियोस। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, ओके यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स दिया ही इसलिए है कि आप उसके अंदर कुछ कमेंट रखें, और आप दूसरा जिस भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उस तरह का वीडियो हम बनाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तो तब तक के लिए घर पे बने रहिए, सेफ रहिए, ओके, कोरोना से दूर रहिए। ठीक है, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।